नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल आम सोना। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो ज्वेलरी हॉल। जैसे ही आपको पता है कि वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रही है और छोटे मोटे फंक्शन तो आते ही रहती है, तो अगर आप ज्वेलरी फैन हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सिंपल सी इयररिंग्स, जो कुछ इस तरह से है। गाइस आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी क्यूट इयररिंग्स है, झुमका इयररिंग्स इसको बोलते हैं। यहाँ पे मैंने सिल्वर एंड ग्रीन कलर में ऑर्डर की हुई है। ये इयररिंग्स जो है वो बहुत ही लाइट वेट है, ऐसा नहीं कि आपको पहनने के बाद इसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा या आपको चुभेगा या फिर हैवी सा रहेगा। बहुत ही लाइट वेटेड है, देखने में काफ़ी हैवी लगती है लेकिन पहनने के बाद ये काफ़ी लाइट वेटेड है। यहाँ पे इयररिंग्स में जो है वो कॉपर का मटेरियल यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको मोती मिल जाते हैं, इस तरह से बारीकी से काम किया गया हुआ है। यहाँ पे आपको इस तरह से डिजाइन मिल जाती है पत्ते की, जो ग्रीन पत्ता होता है, लीव्स होते हैं उस टाइप। इसका जो ट्रायन है वो मैंने साइड में दे दिया है, आप देख सकते हो पहनने के बाद काफी खूबसूरत लग रही है। इसका जो प्राइस है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट जो ज्वेलरी है वो कुछ इस तरह का सेट है गाइस, यू कैन सी। ये जो कलर है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, बिकॉज इस टाइप का जो इंग्लिश कलर है, लाइट कलर है, वो काफी सारे आउटफिट के साथ चल जाता है। ऐसा नहीं कि आपको मैचिंग का आउटफिट पहनना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे डायमंड वर्क किया गया हुआ है और ये जो कलर है वो काफी अच्छा लगता है, यूनिक कलर लगता है मेरे हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, आप अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर सकते हो। और इस तरह से इस सेट के साथ आपको ये वाली इयररिंग्स मिल जाती है, देख सकते हो गाइस। सेट की मैचिंग की जो इयररिंग्स है वो है। आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आती है जो प्रोडक्ट है वो डैमेज आते हैं या फिर उसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये जो ज्वेलरी मुझे काफ़ी अच्छी कंडीशन में रिसीव हुई है, कहीं से भी डैमेज नहीं है या फिर इसका जो डायमंड है वो निकला हुआ नहीं है। काफ़ी अच्छी मुझे ये ज्वेलरी रिसीव हुई है। तो अगर आप मीशो से कुछ इनमें से ज्वेलरी ऑर्डर करना चाहते हो तो आप जरूर से इसके साथ जा सकते हो। इसका भी मैं ट्रायन आपको पास में दे दूंगी और इसका जो प्राइस है वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया वो वाला सेट नेकलेस। इस टाइप का जो महारानी नेकलेस होता है उस टाइप का है, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में या फिर अभी भी। ये जो पैटर्न है, ये जो सेट है वो अभी भी चल रहा है। इस सेट को आप ट्रेडिशनल के साथ या फिर वेस्टर्न साड़ी लुक कर रहे हो तो उसके साथ ये नेकलेस बहुत ही अच्छे से जाता है गाइस। ब्लैक पर्ल का वर्क किया गया, यहाँ पे डायमंड दिए गए हुए गोल्डन में। तो ये जो मैंने ब्लैक में इसलिए ऑर्डर किया बिकॉज ब्लैक जो है वो सबके ऊपर चल जाता है, कोई भी कलर का आउटफिट चाहे क्यों ना पसंद किया हो। इस टाइप का जो नेकलेस है वो काफी ब्यूटीफुल लगता है सारे आउटफिट के साथ। इसकी जो प्लस बात है वो इसके साथ आपको इयररिंग्स भी मिल जाती है, इस तरह से आपको इयररिंग्स मिल जाती है। लेकिन मैं थोड़ा डिसपॉइंटेड हूँ इस इयररिंग्स के साथ, बिकॉज जिस टाइप का ये नेकलेस है उस टाइप की ये इयररिंग्स इतनी खास नहीं है, बहुत ही छोटी इयररिंग्स है। मुझे लगता था कि इस टाइप में जो नेकलेस है उसके साथ बड़ी इयररिंग्स काफ़ी अच्छी लगती है। मैं इसकी वेट की बात करूँ, ये थोड़ा सा हैवी हमें फील कराती है पहनने के बाद, थोड़ा सा हैवी हैवी सा लगता है गले में। लुक इतना अच्छा आता है कि पहनने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमें कुछ पहनना है या फिर थोड़ा सा हैवी लगता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है गाइस। इसका जो प्राइस एंड डिटेलिंग है वो मैंने साइट में दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सेट की ओर, जो मैंने कुछ इस तरह से पिंक में ऑर्डर किया हुआ है, बिकॉज गर्ल्स के पास ऐसे बहुत सारे आउटफिट होते हैं पिंक कलर में, तो मेरे पास नहीं था इस टाइप का सेट, तो मैंने इसको ऑर्डर किया हुआ है जिसमें डायमंड के साथ इन्होंने वर्क दिया गया हुआ है, आप देख सकते हो गाइस। ये सेट तो सिंपल है लेकिन इसका जो ये वाला डिजाइन है वो काफी अच्छा लुक क्रिएट करता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ही मैंने इसको ऑर्डर किया है। इसके साथ आपको मांग टीका और इयररिंग्स दोनों मिल जाते हैं, जो कि बहुत काफी अच्छी बात है। इसकी जो इयररिंग्स है वो कुछ इस तरह से दी गई हुई है, जो सेट के मैचिंग की है ऑब्वियसली, और इसका जो मांग टीका है वो कुछ इस तरह से है। अगर आप ज्यादा हैवी लुक क्रिएट करना ना चाहते हो तो मांग टीका आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको हैवी लुक चाहिए, शादी वाला लुक चाहिए, तो आप पूरे सेट को वेयर कर सकते हो और ब्यूटीफुल दिख सकते हो। और आपको ये मीशो ज्वेलरी हॉल कैसा लगा आप जरूर से बताइएगा।